नमस्कार, मैं रवि किशन आपका स्वागत करता हूँ क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे संस्कार, हमारी परवरिश के मुताबिक हमारा दिमाग सही और गलत का फैसला करता है। हमारी कहानी के पत्रकार जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी नज़र रसीली पड़ोसन शालिनी के शरीर पर पड़ी और उनके दिमाग ने जो फैसला किया वो गलत था। जिस खिड़की को उन्हें बंद कर देना चाहिए था, उन्होंने उस खिड़की को अपने मन में पापी ख्यालों के आने का दरवाजा बना दिया। वासना भरा ये दरवाजा पत्रकार जी को कहां तक ले जाता है, आइए देखते हैं। मुझे आजादी चाहिए इस जीवन से और कुणाल से भी। सिर्फ ये छोटा सा काम करना और कुणाल से तुम्हें आजादी मिल जाएगी। कहाँ गई? अजय मिले क्या? और खिड़की खोल लिया है ना जी? हाँ हाँ खोलते हैं। पिछली दिवाली से ही साफ सफाई नहीं हुआ है। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ता है शालिनी, ऐसे खिड़की खोलकर कौन तैयार होता है? बहुत शौक है तुम्हें अपने जिस्म की नुमाइश करने का? हाँ आप गलत समझ रहे हैं, हम जल्दबाजी में भूल गए थे। और इस तरफ की सभी दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती है, और वैसे भी ये पीछे की गली है। तो क्या कोई तुम्हें बताकर अपने घर की खिड़की और दरवाजा खोलेगा? हाँ हम आगे से ध्यान रखेंगे। वो क्या है ना कि ये ऊपर की फ्लोर है ना, इसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम खिड़की खुला रखते हैं। आप कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। हम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? हम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं? अब तुम हमें बताओगी? हाँ मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमारी बीवी हो और तुम्हें इस तरह से देखने का हक सिर्फ हमें है, समझी? और अगर बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है ना अपना जिस्म दिखाने का, हम बहुत गर्मी है अभी उतार देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारो कपड़े, मंदिर जाना है, छोड़िए। अपने कपड़े उतारो, छोड़िए। अजी मिली क्या? हाँ मिल गई, मिल गई। काजी का हो गया आपको? और इतना पसीना पसीना कहे हो गए हैं आप? हाँ गर्मी बहुत है ना। और देखिए ना, खिड़की भी नहीं खोली आपने। चलिए हटिए, हम खोल देते हैं। अरे किताब मिल गई है, तुम चलो बाहर। अच्छा चलिए आइए। ये रहा फॉर्म और ये रहा पिन, आप साइन कर दीजिए, वक्त में भर लो। कहाँ है जगमोहन भाई? आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन क्राइम पर तो लिख सकते हैं ना भैया। नहीं जगमोहन भाई,
अब क्राइम से हम बहुत दूरी बना लिए हैं। अब हमसे क्राइम के बारे में नहीं लिखा जाएगा। भैया जी, साप्ताहिक अखबार है, लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बस कहानियां तो लिखनी है। हाँ, लेकिन जगमोहन भाई, अब हमसे लिखा नहीं जाएगा। वो क्या है ना, हम क्राइम लिखते हैं तो हमारा मन बड़ा अशांत हो जाता है, और आंतरिक मन अशांत होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने क्राइम से अब बहुत दूरी बना ली है, अब दिमाग और कलम दोनों शांत है। अरे हम तो बोलते बोलते थक गए कि इस उम्र में कौन रिटायर होता है, लेकिन ये है एकदम ठान के बैठे हैं कि कुछ नहीं करना, जब जागना होगा खुद ही जाग जाएंगे। कोशिश कर लो, होना कुछ नहीं है। लिखेंगे, जब किसी से प्रेरणा मिलेगी तो लिखेंगे। सुबह सुबह तुम दोनों हमारे पीछे पड़ गए, बहुत लिख लिए क्राइम पे बहुत सालों तक, लेकिन अब नहीं। अब जो है ये दिमाग की शांति हम भटकाना नहीं चाहते। अब दिमाग और कलम दोनों शांत हैं। इसे शांति रहने दो जगमोहन भाई। और हाँ, कोनो और बात हो तो करो, ये क्राइम वाइम की बातें हमसे मत करो। नेल्सन मंडेला वाली बुक के लिए बात? अरे वही ढूंढ रहे थे भाई, मिली ही नहीं, बहुत कोशिश की है। का मतलब जी, नहीं मिली? सुबह तो बोले थे कि मिल गई। बहुत गर्मी थी इसलिए तुमसे बोल दिए कि किताब मिल गई है। अगर ना बोलते तो पूरे स्टोर का सामान तुम इधर से उधर कर देती, कितना परेशान हो जाती पता है। इसलिए बोले कि किताब मिल गई, ढूंढ लेंगे, क्यों परेशान हो रही हो। इनका सारा किताब पोथीना उस स्टोर रूम में जमा है जो सालों से ना खुला, अब उसमें ना मोटा मोटा मिट्टी का परत जमा हो गया है। हम देख लें? अरे नहीं जगमोहन भाई, हम ढूंढ देंगे, मिल जाएगी, आओ दो चार दिन में आराम से। अच्छा भाभी जी प्रणाम। नमस्ते। ये फॉर्म में रख के जा रहा हूँ, इसको भर के रखिएगा, दो चार दिन में आते आते इसको मैं ले लूंगा। चलिए देखते हैं जगमोहन भाई। कह तो सही रहे हैं जगमोहन, और फिर इसी बहाने स्टोर रूम को अपना स्टडी रूम बना लेंगे। आखिरी बार समझा रहा हूँ शालिनी, तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बहुत बुरी तरह से पिटोगी एक दिन, समझ गई? मंदिर चलना है ना तुमको? हाँ, मंदिर चलना है, चलो मैं लेके चलता हूँ, चलो। सुनिए जी, बबुआ के लिए गरम कपड़ा निकाले हैं, जरा देख लीजिए ना। का देख ले, अपने हिसाब से भेज दो जो तुमका भेजक हुए। एगो बेटा है अपना, हाँ दिल्ली की ठंड से बचे इसीलिए उसके लिए गरम कपड़े निकाले हैं, पर बाप को कौनो खोज खबर नहीं, दया ममता भी छोड़ दिए हैं का पत्रकारिता के साथ। तुम्हारे दिन भर ताने मारने से हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें ताने मार के उकसाओ नहीं, हमारी कलम जब चलनी होगी खुद ही चल पड़ेगी, समझी? हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, हाथ पैर है ना जी आपके कलम के, जो खुद ही चल पड़ेगी। सब कहते हैं लिखिए लिखिए लिखिए, लेकिन इनको तो जैसे आलस धर गया है, पता नहीं जाने कहाँ होगा। अरे प्रणाम प्रणाम, हम बाद में मिलते हैं आपसे। बाइक की सवारी तो मौसम बना गई। क्या बोले, क्या बोले तुम लोग हैं? घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई ममाली, चलो निकलो यहाँ से, निकलो। पत्रकार जी, क्यों इन लोगों के पीछे लग रहे हो, बदतमीज लोग हैं ये। अरे मैं डरता हूँ क्या ऐसे लोगों से हैं? सराफत इसी में है कि निकल जाओ, वरना अभी पुलिस बुला के अंदर करा दूंगा, चलो निकल जाओ यहाँ से। हाँ जा रहे, भागो यहाँ से, दिखाई मत देना आप यहाँ पे, चलो निकलो यहाँ से।
पति की गाड़ी की आवाज सुनते ही खिड़की बंद। इसका मतलब ये है पति को खिड़की बंद चाहिए और मैडम को खुली। खुल के जिया नहीं जा रहा, डर है किसी बात का। अब इनका डर हम दूर करेंगे। वाह जगमोहन वाह, अगर तुमने मुझसे एक किताब न मांगी होती तो आज मेरी जिंदगी की लाइब्रेरी में ये शालिनी नाम की खूबसूरत किताब ना आई होती। पत्रकार जी आप भी। बहुत उदास दिख रही हो, हस्बैंड ने फिर से मारा क्या? हाँ यार, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी कर लूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा जानवर है वो इंसान, उसे सिर्फ अच्छा खाना चाहिए, मेरे जिस्म का भूखा है बस। तो कुछ सोचा है तूने, आगे क्या करेगी? नहीं, सब किस्मत पर छोड़ दिया है मैंने, मैं हार चुकी हूँ जिंदगी से। हमारे होते हुए आपको हारने की जरूरत नहीं है शालिनी जी। ये लीजिए। मैं भैया आज मैं बिना चाय पिए ही मुझे गार्डन जाना पड़ा, क्या हम जल्दी नहीं आ सकते? देखिए मैडम, हम आपसे कहे ना, हम इससे जल्दी नहीं आ सकते, सबका टाइम बंधा हुआ है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर आप वो पैकेट वाला दूध ले लीजिए, लेकिन ताजा शुद्ध और देसी दूध चाहिए तो हमसे लीजिए, लेकिन समय यही रहेगा। लखनपाल। अरे प्रणाम पत्रकार बाबू। प्रणाम प्रणाम। लखनपाल काहे बहस कर रहे हो सुबह सुबह, दे दो ना मैडम जिस समय दूध मांग रही है उनको। अरे पत्रकार बाबू, हम अकेले आदमी, ये दो ही हाथ पैर और वो साइकिल, अब एक आदमी एक ही समय पर कहां कहां पर दूध पहुंचाए, और आप तो जानते ही हैं अगर इनको समय पर दिया तो फिर किसी और को समय पर नहीं दे पाएंगे, तो आप ही बताइए अब किसको फिर हम देर से दे। अरे लखनपाल, तुम एक काम करो, मैं जगमोहन को बोल देता हूँ, कल से सबसे पहले मैडम को ही दूध दो, इनके घर से शुरुआत करो सुबह, उसके बाद जाओ दूसरी जगह दूध देने के लिए। ठीक है ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। लीजिए। ठीक है ठीक है, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू किस बात का, पड़ोसी हैं हम आपके, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी के काम आना चाहिए। वैसे थैंक यू की जगह सुप्रभात होता तो ज्यादा अच्छा लगता। सुप्रभात। सुप्रभात। वैसे आप पत्रकार हैं? पत्रकार है नहीं, पत्रकार थे, अब नहीं लिखते हम। क्यों? अब मन नहीं करता, और जिस काम में मन ना लगे वो काम नहीं करना चाहिए।
तो मन के मालिक हैं आप? जी बिल्कुल, आप भी तो अपने मन की मालकिन हैं, है ना? वैसे ही हम भी हैं। वैसे सब कोई नहीं कर पाते अपने मन की, कुछ मजबूरियां भी हो सकती है। वैसे आप चाहें तो अपने मन की बात हमसे बांट सकती हैं। अरे वो कहते हैं ना कि मन की बात बांटने से मन हल्का हो जाता है, और हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे पास सारी समस्याओं का हल है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक दिन समय निकाल के जरूर बैठेंगे आपके साथ। अब मैं चलती। जी, इंतजार रहेगा आपका। बाय बाय। क्या हुआ? एगो बात बताइए हमको, जब देखिए जब आप इस स्टोर रूम में कहीं घुसे रहते हैं, और ऐसा क्या दिख गया है आपको इस कबाड़खाने में जो आप अपना पूरा समय बस यहीं बिताते हैं? तुम्हारी समस्या क्या है भाई? तुम ही दिन भर ताने मारती रहती थी कि लिखते नहीं है, लिखते नहीं है। अब हमने लिखना शुरू कर दिया है तो भी तुम्हें परेशानी हो रही है? तो ऐसे कबाड़खाने में लिखेंगे जी? वो हम देख लेंगे, हम साफ सफाई कर लेंगे, तुम परेशान मत हो उसके लिए, हम लिख लेंगे उसमें। और आप लिखना फिर से शुरू कर दिए, हमको नहीं बताए? अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा हुआ आपने फिर से काम शुरू कर दिया, आपका मन लगा रहेगा ना? हाँ, अब हम काम कर ले अपना। ठीक है जाइए, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेके आते हैं। ठीक है, जाओ तुम। कहा तुम्हें? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बहुत बार सुन चुका हूं मैं, और तुम भी सुन चुकी हो कि मुझे तुम्हारा किसी से भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गई तुम? किसी से भी नहीं, औरत, बच्चा, बूढ़ा आदमी, किसी से भी नहीं, समझी? दूध वाला? दूध वाले से भी नहीं, सब्जी वाले से भी नहीं, किसी से कोई बात नहीं करूंगी तुम, समझ गई? क्या चाहिए, क्या काम है, काहे बार बार घंटी बजा रहे हैं? वो हम, अरे काहे समय बर्बाद कर रहे हैं, आ जाते कहां कहां से घंटी बजाने। हम आपके पड़ोसी हैं, ये पीछे वाला घर ही हमारा है। तो हम क्या करें? अरे हम पूछने चले आए, असल में सुबह से हमारे घर में बिजली नहीं आ रही है, हमें लगा आपके घर में भी नहीं आ रही होगी, तो साथ में चल के कंप्लेन कर देते हैं, शायद से कहीं तार वार टूट गया होगा। ये जो बार बार बजाए हो ना डोरबेल, बिना बिजली के ये बजती नहीं है, मतलब मेरे घर पे लाइट है, आप जाके अपने घर का तार चेक कीजिए और कीजिए कंप्लेंट। वो जगमोहन, फॉर्म लेकर घर आओ, लिखते हैं क्राइम की एक नई स्टोरी। लीजिए जगमोहन भाई। सत्यदेव सिन्हा के कलम से निकली क्राइम की एक और कहानी। वाह भैया, आपने तो दिल खुश कर दिया। हम लिख तो रहे हैं जगमोहन भाई, लेकिन हमारे पीछे मत पड़िएगा, जल्दी दो जल्दी दो, हम आराम से लिखेंगे अपना समय लेके। हाँ, हम बता दे रहे हैं पहले ही। बिल्कुल, आप आराम से लीजिए, जब आपका मन करे पूरे इत्मीनान के साथ,
लेकिन मन में एक सवाल है भैया, अगर आप कहें तो पूछूं। कैसा सवाल, पूछो। कहते थे कि नहीं लिखेंगे, फिर इतने सालों के बाद अचानक ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जगमोहन भाई, प्रेरणा हमारे आस ही पास होती है, बस हमारी उस पर नजर पड़ने की देर है। नजर पड़ी नहीं कि प्रेरणा जाग गई। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आई हो दादा, तबीयत वबीयत तो ठीक है ना जी आपका? हाँ, और ये सब क्या करने लगे, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हाँ, अरे स्टोर रूम की सफाई अभियान चल रहा है, और का अब ये बनेगा स्टडी रूम, और हिया चलेगी सत्यदेव सिन्हा की कलम। अरे लिखना शुरू कर दिए हैं, अब तो खुश हो जाओ। वाह जी वाह वाह वाह। हाँ, हमको बता देते, हम किसी सफाई वाले को बुलवा देते। हाँ, खुद कहीं जान दे रहे हैं यहाँ ढूल ढक्कर में। हाँ, चलिए बाहर चलिए अभी के अभी। हम जगमोहन जी को फोन करके बोल रहे हैं, ऑफिस से भेज देंगे किसी को भी। अरे भाग्यवान, हम कर लेंगे अकेले, हमको चाहिए अकेलापन। तुम ना हिया आओगी, ना ही हमें आवाज दोगी, और ई दरवाजा बंद रहेगा हमेशा से। तो अपने मन की ही करते आए हैं, करिए। कहाँ रह गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था, इधर भी नहीं है, कहाँ गई, ये आई क्यों नहीं अभी तक? पूरा पार्क देख लिया, कहीं नहीं दिख रही है। रोज तो आ जाती है इस टाइम तक। चलो चलते हैं, देखते हैं बाद में। अरे अरे जयराम, पत्रकार बाबू। जयराम जयराम, क्या हाल है? पत्रकार बाबू, ये बंगले वाली मैडम दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा नहीं खोल रही? हाँ, तो ये दूध का क्या करे, दरवाजे के बाहर रख देता। अरे नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, दूध हमें दे दो, हम भिजवा देंगे उन्हें। हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा, ये लीजिए। हाँ, ठीक है, जयराम जी की। ये लखनपाल ने दूध का डब्बा मुझे दे दिया था आपका। आप मेरे साथ अंदर आ जाइए। मैं ठीक। थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? कल के लिए। अगर कल आप समय पर आकर घंटी नहीं बजाते ना, तो मार खा खा कर मेरी मौत ही हो जाती। अब बस मौत ही मुक्ति है इस नरक से। नहीं शालिनी जी, ऐसा मत बोलिए, तकलीफों से लड़ा जाता है। मैं कमजोर हो चुकी हूँ इस दर्द से, इस मार से, इस घुटन से। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? लेकिन ये सब सहना क्यों है? देश है, कानून है, सरकार है, न्याय है, आपको सहारा मिलेगा। कोई नहीं है हमारा, किसके सहारे निकलूं मैं इस नरक से? क्या आप मेरा साथ दोगे? मैं? लगता है कुणाल भाई साहब आ गए, अब जाके देखिए। हाँ। आज क्या हो गया, हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? वो दूध तुमसे पूछे क्या? इनके जाने के बाद तुमसे पूछेंगे। हाँ तो बताइए। ओ, पानी वानी भी मिला है, बैठकर बहुत सारी बातें हो रही होंगी। हाँ, और भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा।
तो आप रोज आते हैं हमारे घर ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बनाकर। आज ये दूध का बहाना बनाया है, कल बिजली का बहाना था, कल कौन सा बहाना बनाएंगे आप? हाँ बताइए। अच्छा हम चलते हैं। यही सही रहेगा, चलिए। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जब घर का मर्द घर में ना हो तो घर के अंदर मत आइएगा, समझे या समझाएं? चलिए। समझाए थे तुमको कि किसी से बात नहीं करनी है, लेकिन नहीं, तुमको तो बात करनी है और घर में बुला के बात करनी है। हाँ? क्या बात कर रही थी उससे? क्या बता रही थी उसको कि हम तुम्हें पीटते हैं? हाँ? जानवर हूँ? हाँ, हूँ मैं जानवर। हाँ? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, हम तुम्हारे पति हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और तुम चुपचाप हमारी बात सुनोगी, समझी तुम? तुम ठीक तो हो? हमारे यूएसए मिलना, बात करना ठीक नहीं है। ठीक तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो भी नहीं है। शालिनी शायद तुम ये सब सह सकती हो, लेकिन मैं नहीं सह सकता। मैं खुद को कैसे रोकूं? हम यहाँ नहीं बात कर सकते, आप घर आइए। लेकिन शालिनी घर कैसे आएंगे? कुणाल के जाने के बाद। पीछे वाले दरवाजे से। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ, तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? आज से, अभी से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। जॉगिंग तो जाऊंगी ना। जब मैंने कह दिया कि घर से बाहर नहीं, तो घर से बाहर नहीं जाओगी तुम। अब तुम कहीं भी जाओगी तो मेरे साथ जाओगी, सुन लो। अब सिर्फ मुझे अपने दोस्तों के साथ लेके जाते, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हेलो, पसंद सिर्फ मेरी चलेगी और मेरी पसंद ही तुम्हारी पसंद है, समझी? क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ? क्या किया मैंने आपके साथ? मैं क्या करता हूँ? क्या करता हूँ मैं? जब तुम मेरी बात नहीं सुनती हो तब मुझे गुस्सा आता है, तब हाथ उठता है मेरा तुम पर। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? ये प्यार नहीं है। अब जो भी है बस यही है और यही रहेगा, सुन लो कान खोल कर तुम। आइए बैठिए ना। जी। अनाथ हूँ, मामा जी ने शादी करवाई और शादी के बाद एक बार भी मुझे पूछा नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। बस मुझे बांध दिया एक ऐसे इंसान के साथ जो कि जानवर है। अपने पैसे का रूप दिखाकर दुनिया में सबको नीचा दिखाना उसका घमंड है। अपने बिजनेस सर्कल में मुझे नुमाइश बनाकर रखता है वो, जैसा दिल चाहे ऐसा मेरे शरीर के साथ खेलता रहता है वो, और शेयर बाजार में हर नुकसान को मुझे मारकर पूरा करता है। मैं हार गई हूँ जिंदगी से। शालिनी जी,
हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास और वो मौत। आपको पता है कई बार कोशिश की मैंने अपने आप को मारने की, पर मैं कर नहीं पाई। इनफैक्ट कुणाल को भी मारने की प्लानिंग की थी मैंने, कई रास्ते सोचे पर हिम्मत कहाँ से लाऊं मैं, इसलिए सहती रहती हूँ। नहीं शालिनी जी, मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और किसी की हत्या करना ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप तो क्राइम रिपोर्टर हैं, आप कुछ कीजिए ना। क्या चाहती हैं आप? मुझे आजादी चाहिए इस जीवन से और कुणाल से भी। आप पीछे वाले दरवाजे से जाइए, लगता है कुणाल आ गया। ठीक ठीक है, हम चलते हैं। अब जाइए। आइए भैया, देखिए ये सब। ऐसा नहीं हो सकता भाभी, और भैया जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा भैया तो बताइए ना, कहाँ हैं आपके भैया जी? हाँ हैं, घर में तो है नहीं, और ऑफिस से आप अभी अभी आ रहे हैं। सच में भैया आपको भी कोनो खोज खबर नहीं है? वो दूध वाला लखनपाल है ना, वो बताया हमको। वो पीछे वाली मैडम जी जो नहीं है, उनसे बात करते हैं आपके भैया जी। तनी देखे हैं उनको, एकदम मैडम जी दिखती है वो। हाँ हम कब कह रहे हैं आपके भैया जी गलत है, लेकिन वो औरत ना जादू टोना वाली है, जादू टोना वाली। हाँ, और हम ना इनको उससे बस दूर रखना चाहते हैं। और ये सब कैसे होगा ये बताइए हमको। अब सामने से भैया को क्या समझाएं, और वो औरत को क्या बोले हम? तो कुछ ना करें हम। हाँ घर परिवार सब बर्बाद हो जाने दे, और अपने पति को उस चुड़ैल के जंजाल में ऐसे ही जाने दे। हाँ ना ना ना, हम तो रोकेंगे ये सब खेल को, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। परछाई के तरह उनके साथ में रहेंगे एकदम बस। हाँ किसकी परछाई की बात हो रही है कुसुम? अजी वो ना भाभी जी कह रही थी अगर अच्छा काम सीखना हो तो भैया जी की परछाई बनकर रहना आगे पीछे। हाँ क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं हम कुसुम, अब हमारे साथ रहेगा तो ये भी नाम करेगा, है ना? लेकिन एक बात बताओ कुसुम, तुमसे हमने कहा था ना कि हमारे स्टडी रूम में कोई नहीं आएगा, तो क्यों आई तुम? हाँ हाँ वो ना हम बस जगमोहन भैया को कमरे की सफाई ही दिखाने ले आए थे, तब इतने में आप आ गए, जा ही रहे थे हम। चलिए भैया। तुम्हारा काम हो गया। हाँ? तुम बस घर आ जाओ। देखो तुम्हें सिर्फ इतना करना है, ये बम देखो, बाइक की टंकी से ये पाइप जाती है जो सीधा इंजन में होती है। इंजन में पाइप जाती है और इसमें इसके लिए फ्यूल ट्रांसफर होता है इंजन के लिए। इस तार को इस पाइप पे लगाएंगे, जैसे ही इसमें अटैच करोगे ना गाड़ी चलेगी, जैसे ही थोड़ा चलते वो गर्म होगी, बम और कुणाल खत्म, तुम्हें मिल जाएगी उसे हमेशा हमेशा के लिए आजादी। देखने में सबको यही लगेगा कि कुणाल का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ। क्या बात है, पर कैसे करेंगे आप? उसके लिए तो कुणाल की बाइक घर पर होनी चाहिए, और बाइक घर पर है तो कुणाल भी घर पर है। ये काम मैं नहीं तुम करोगी, तुम्हें कभी भी मौका निकाल के सिर्फ ये छोटा सा काम करना है और कुणाल से तुम्हें आजादी मिल जाएगी। मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल कर पाओगी, सिर्फ हमारे प्यार को और अपनी आजादी को ध्यान में रखना। मैंने तो तुम्हारे लिए इतना प्लान बना लिया, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन। तुम्हारे लिए
सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अपनी आंखें बंद करो। से कपड़े क्यों पैक करवा रहे हैं? हम भी करें क्या पैकिंग? अच्छा, तुमने तो कहा था कि तुमको हमारे दोस्तों के बीच में उठना बैठना पसंद नहीं है। हम तो हमारे दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तुमको चलना है तो चलो, मगर हाँ, फिर वहाँ अपना मुंह बनाकर मत बैठी रहना, क्योंकि जहाँ तुमने मुंह बनाया तो समझ लेना वहाँ हम दिए तुमको जोर से। आप ही जाइए, हम यही ठीक है। वैसे कब आएंगे आप? पहले जाएं तो शाम को निकलेंगे, अभी ऑफिस जा रहे हैं। अब जल्दी से ये सामान पैक करो, ज्यादा मुंह मत चलाओ। सुनिए जी, आपका लिखना तो ठीक से चल रहा है ना? वैसे आजकल आप इधर उधर बहुत जाते हैं, और ये सब आप अपनी कहानी के लिए ही कर रहे हैं ना? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। चाय पिलाओगे? ठीक है, लेकर आते हैं अभी। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैंने फोन किया। हाँ बोलो ना। आज शाम को कुणाल पटना से बाहर जा रहा है 2 दिन के लिए। मुझे ना घर पे अकेले बहुत डर लगता है, तुम मेरे साथ आके रह सकते हो क्या 2 दिन के लिए? 2 दिन? हाँ ठीक है, मैं भाई की आवाज़ सुनते ही यहाँ से निकलूंगा, ठीक है ना? वो कुणाल ना गया जा रहा है अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से, और ये बाइक भी घर पर ही रहेगी। जब वो निकलेगा मैं तुम्हें बोल दूंगी, और तुम आ जाना पीछे के दरवाजे से। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बाय, सी यू। नवादा जा रहे हैं, बताइए। नवादा का तो एक चीज ध्यान रखना पगली, किसी को बताना नहीं कि हम नवादा जा रहे हैं, जगमोहन को भी नहीं। हमें नवादा में एक बहुत बड़ी क्राइम स्टोरी पता चली है, उसके बारे में ना आज तक कोई सुना है ना कभी उसको देखा है। तो जब तक हम क्राइम और क्रिमिनल के बारे में पता ना कर लें, हम उसको लिख ना लें, किसी को तुम बताना नहीं कि हम नवादा गए हैं। हम 2-3 दिन में लौट आएंगे, ठीक है? याद रहेगा? हाँ हाँ, याद रहेगा हमको। हाँ, और ये हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, इतना कपड़ा काहे ठूस दियो इसमें? खुद ही कर लीजिए, हम तो चुप ही रहेंगे। अरे नाराज काहे होती हो कुसुम? अरे काहे इतना गुस्सा हो रही हो पगली, हम आ जाएंगे ना 2-3 दिन में, इतना काहे परेशान हो रही हो? अच्छा ठीक है ठीक है, तो हम आपके लिए खाना पैक करके लेके आते हैं जल्दी से। हाँ। अरे खाना खाना हम होटल पे खा लेंगे, खाना काहे बना रही हो? अब ना हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे, शांत बैठी रहिए यहाँ पे। हाँ अरे कुसुम जल्दी करो, हमें देर हो रही है। आ गए आ गए। हाँ जी, हमेशा घोड़ा पे ही सवार रहते हैं। अरे हमें देर हो रही है भाई। लीजिए, समय से खाना खा लीजिएगा और ध्यान से जाइएगा। ठीक है, हम ध्यान से खा लेंगे और ध्यान से जाएंगे। और कुछ बोलना है तो वो भी बोल दो। पैर न छुएंगे जी। अब जाइए, सब सुख मंगल हो। ठीक है, तुम भी ध्यान रखना अपना, हम आ जाएंगे 2-3 दिन में। सदा सुहागन हो ये तो बोले ही नहीं, लगता है भूल गए, एकदम भुलक्कड़ है ना ये जी। जा रहे हैं हम, लेकिन जो तुम्हें समझाए हैं वो याद रखना, घर से बाहर मत निकलना। अगर तुम ये सोचोगी कि कुणाल तो शहर से बाहर है, अगर मैं घर से बाहर निकल भी गई तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि घर में CCTV कैमरा लगवा दिए हैं हम, तो हमको बाहर रहकर भी सब मालूम पड़ता रहेगा कि कौन घर के अंदर आया और कौन बाहर गया। तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, समझ गई? जी। और बाइक बाहर खड़ी है, ध्यान रखना। वैसे कैमरा तो ध्यान रखेगा ही। जा रहे हैं।
कनाल चला गया, जल्दी आ जाओ। कुणाल तो नहीं? कुणाल कैसे हो सकता है? तो इतनी रात के कौन होगा? तुम जाकर देखो। तुम घबराओ मत। आज गया जाने का प्लान कैंसिल हो गया, अब कल जाएंगे। हेलो जी मालिक, बोलिए क्या सेवा है? बहुत बढ़िया, बस अभी आ रहे हैं मालिक, बस अभी निकल रहे हैं जी। चाबी दो बाइक की। अब आपको कहेंगे? पता नहीं, जब भी आएंगे तो मैं जगा देंगे घंटी बजाकर, ठीक है? ठीक, जाओ सो जाओ। ब्लास्ट था ये एक्सीडेंट? ब्लास्ट था ये। थैंक यू सत्यदेव बाबू। थैंक यू क्यों? मेरा काम करने के लिए और मुझे आजाद करने के लिए। मैंने क्या किया? मर्डर कुणाल का। मैंने कुछ नहीं किया है। आप बड़े भोले हैं सत्यदेव बाबू। पत्रकार साहब, कितने सालों आप क्राइम के साथ रहे और आप असली क्रिमिनल को पहचान ही नहीं पाए? आपको क्या लगा कि मेरी जैसी जवान खूबसूरत औरत आपके प्यार में पागल हो जाएगी? अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया आपको, ये तो बस मेरा एक छल था आपको फंसाने के लिए। मेरी खूबसूरती की जाल में बस। आपको याद है वो पहला दिन जब आप मुझे अपनी खिड़की से देख रहे थे? आप खांस रहे थे उस दिन। लेकिन आपसे भी पहले मेरी आप पर नजर थी। आपको क्या लगा आप मुझे ऐसे देखते रहेंगे और मुझे जरा भी खबर नहीं होगी? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उस दिन आप मुझे देख रहे थे, इसलिए मैंने अपने आप को दिखाया, अपनी तकलीफ दिखाई और अपने मार को भी। और आप चले आए मेरी तरफ और बन गया मेरा हथियार। पर मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी जो कुणाल को मार डाले। और जब मैंने देखा कि आप फंस गए तो मैंने आपसे अपना काम करवा लिया और मैं एकदम आजाद हो गई। अब कुणाल का सारा पैसा मेरा, ये मकान भी और कुणाल की इंश्योरेंस पॉलिसी भी। तो पता है मैंने ना बहुत मेहनत की, वो भी अकेले। कुणाल के लगे हुए सीसीटीवी कैमरा मैंने ही बंद किया और उसके बाद बाइक में बम मैंने ही सेट की।
कुणाल के जाने के बाद और आपका मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद, और अब आपको जेल जाना होगा और मैं उड़ूंगी हवा में, आजादी की हवा। लेकिन मैं क्यों जेल जाऊंगा? मैंने कोई बम नहीं लगाया उसकी गाड़ी में। लीजिए, मर्डर का सबूत तो आपको मैंने दिखाया नहीं। एक मिनट, दिखाती हूँ अभी, ये देखिए। जैसे ही तुम इसमें अटैच करोगी ना, गाड़ी चलेगी। जैसे ही थोड़ा चलते ही वो गर्म होगी, बम। सिर्फ हमारे प्यार को और अपनी आजादी को ध्यान में रखना। आप इसमें मुझे दिखा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि बाइक में बम कैसे सेट करना है और कैसे होगा धमाका। बाय द वे, ये सब एविडेंस मैं पुलिस को भेज चुकी हूँ, और वो अपराध आपने अपने मुंह से बोला है, और मैं हूँ वो जीता जागता सबूत, और मेरी गवाही आपको आपके अंतिम सफर तक पहुंचा देगी। पत्रकार जी की इच्छाओं ने उनके हाथों ऐसा अपराध करा दिया जिससे आज वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनकी वासना की ललक ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी जिससे वो शालिनी के असली रूप को देख समझ ही नहीं पाए, और शालिनी ने उनका इस्तेमाल किया अपने मकसद को पूरा करने में। हमारी इच्छा ही हमारा स्वरूप बनाती है, हमारे फैसले हमारा व्यक्तित्व। कभी कभी अपने अंदर के अच्छे इंसान को हम खुद ही अपराधी बनाते हैं, अपनी इच्छाओं के हाथ कठपुतली बनकर। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं। रहें खबरदार, बने होशियार, और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।